Good morning. So, myself LN Arya welcoming you to video lectures, right? और आज का जो टॉपिक है वो हमारा फिजिकल का एक चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन, हिंदी में विलयन बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसके जो नोट्स हैं ना आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे हम, रिटर्न नोट्स, ठीक है। तो अभी जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का वो ये है कि हम कुछ चीज़ें समझ सकें ना, तो नोट्स, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। वो पीडीएफ फॉर्म में जैसे भी है तो आपको वहाँ से लेने हैं ना। तो ये इस वीडियो से आप नोट्स उतारने की कोशिश ना करें, सिर्फ कुछ समझने की कोशिश करें ना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है विलयन है, तो ये 12वीं क्लास का टॉपिक है, 12वीं क्लास का सेकेंड चैप्टर है, राइट। और चैप्टर की बात करें तो इजी चैप्टर है, ठीक है, आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, नंबर भी अच्छे आते हैं इसमें, और क्वेश्चन भी ऐसे करते हो तो, मतलब पढ़ते हो तो इजी होता है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना, ठीक है। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, ठीक है, दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। अब मिश्रण समझते हो ना, मिक्सचर समझते हो आप लोग, दो चीज़ों को अपन मिक्स करते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी है, तो पानी में अपन चीनी मिलाते हैं और उसको डिजोल्व कर लेते हैं और वो अच्छे से डिजोल्व हो जाती है, अच्छे से घुल जाती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोल सकते हैं घुलने के बाद। या पानी है उसमें नमक डाल दें, सोडियम क्लोराइड है, तो इस तरह से पानी में कोई सॉल्ट डाल दें, शुगर डाल दें, अल्कोहल डाल दें, तो कोई ऐसी चीज़ है डिजोल्व हो जाए जो, है ना, घुल जाए, तो घुलने के बाद जो प्रिपेयर होगा ना उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, राइट। तो एक चीज होता है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, सो दीज आर कंपोनेंट्स, ठीक है, ओके। और इन दोनों को मिलाने पे क्या बनता है, तो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो कोई सॉल्यूट होता है तो उस सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में मिक्स करा जाता है। तो सॉल्वेंट की अगर बात करें, जनरल सेंस में बात करें, ठीक है, एक सामान्य रूप से बात की जाए तो सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट वो होता है जिसमें उसको घोला जाता है, राइट। तो सॉल्वेंट वो होता है जो, है ना, मोर अमाउंट में, ठीक है, यानी कि जो ना अधिक मात्रा में अपन बोल सकते हैं, तो जो अधिक मात्रा में होता है ना उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन है, ठीक है, सामान्य परिभाषा है कि जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा, ठीक है, ओके। तो ये वैसे सही डेफिनेशन नहीं है लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगह अप्लाई होता है। तो लेस अमाउंट के अंदर ये होता है, कम मात्रा में ये होता है, ठीक है, इस तरह से अपन बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें तो शुगर है प्लस वाटर बराबर क्या बनेगा बताओ, सॉल्यूशन। तो इसमें वाटर क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है बताओ, यहाँ पर वो यहाँ पर सॉल्यूट है, शुगर की क्वांटिटी कम है जो वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं और इस तरह से हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सही डेफिनेशन है ये ठीक है कि सुनने में अच्छा लगता है डेफिनेशन, लेकिन वाकई में जो डेफिनेशन है इसकी सॉल्वेंट की वो ये है कि, है ना, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन हैव सेम फेज, ठीक है ना, यानी कि विलायक, है ना, ये चीज है। हिंदी में इसको बोलते हैं विलय, इसको बोलते हैं विलायक। तो विलय में विलायक को मिलाया जाता है तब जाके विलयन बनता है, सही है ना। तो कम मात्रा में जो होगा ना उसको विलय बोलते हैं
और जो ज्यादा मात्रा में, जैसे ये कौन सा हुआ, ये विलेय होगा और ये क्या हुआ, ये विलायक है, ठीक है। तो सॉल्वेंट कौन सा है, विलायक कौन सा है, पानी है, और विलेय कौन है, वो यहाँ पर चीनी है, ओके। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सही डेफिनेशन ये है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों की फेज सेम होते हैं, ठीक है, यानी कि विलायक और विलयन, ये विलायक है, ये विलयन है, दोनों की प्रावस्था समान होती है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि इसी की बात करते हैं, सुगर प्लस वाटर, तो इसमें सॉल्वेंट कौन सा हुआ, तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कौन सा, कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, तो इन दोनों में सॉल्वेंट कौन सा हुआ, तो कैसे पता करेंगे कौन सॉल्वेंट है, तो इन दोनों में लिक्विड कौन सा है, सुगर है या वाटर है, तो जाहिर सी बात है तो वाटर है, तो वाटर लिक्विड है, तो इन दोनों की फेज के वो सेम है, और ये सुगर के है वो सॉलिड है, तो इसलिए वाटर के है वो सॉल्वेंट है, ओके, विलायक है वाटर, यहाँ पर जल यहाँ पर विलायक का कार्य कर रहा है, इतना समझ में है। तो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, है ना। तो अगर इनसे आगे निकलते हैं, अब सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी हो सकता है, ठीक है, टर्शियरी हो सकता है, क्वार्टरनरी हो सकता है, राइट। तो सॉल्यूशन अगर हम बात करें, विलयन की अगर बात करें, सो इट कैन बी व्हाट, बाइनरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, द्विक। इट कैन बी व्हाट, टर्शियरी, यानी कि त्रिक, ऐसे ही क्या होता है, क्वार्टरनरी, सही है, ओके। तो द्विक की जगह, असल में ये द्विक होता है, लेकिन अच्छा शब्द क्या है, इसको बोल सकते हैं द्विअंगी, त्रिअंगी, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है, तो इसका अपन यूज करते हैं। तो बाइनरी मीन्स जिसमें दो कंपोनेंट है, राइट, ठीक है, टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, घटक, तो केवल दो ही चीज होना, तो उसको बोलते हैं। इसमें कितने होंगे बताओ, दो की जगह कितने होंगे, थ्री कंपोनेंट, इसके जगह कितने होंगे बताओ, फोर कंपोनेंट्स, राइट। जिसमें केवल दो ही लोग हो, जैसे पानी में चीनी मिला दे, तो दो ही लोग हैं, पानी और चीनी, तो ये कौन से टाइप का हुआ, बाइनरी वाला हुआ, ठीक है, या द्विअंगी हुआ, या जैसे पानी में चीनी है और पानी में क्या मिला दे, अल्कोहल मिला दे, तो तीन लोग हो गए, पानी, अल्कोहल और चीनी, तो फिर कौन सा हो गया, ये हो गया टर्शियरी, ये समझ में, ठीक है। अब अगर हम और आगे बढ़े इसमें सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर और अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसमें आता है क्या, मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सही है, मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि विलयन में विलेय की सांद्रता या विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करने वाले तत्व, ठीक है। तो ऐसे वाले अगर हम पदों की बात करें, पहले तो अपन ये पता करते हैं है क्या, तो जैसे सॉल्यूशन में अपन चीनी डालते हैं, पानी में अपन चीनी डालते हैं, तो पानी में चीनी डालोगे तो आपको पता है कि चीनी डाल रहे हो, ठीक है, लेकिन चीनी डाली कितनी आपने, तो आप जितना ज़्यादा चीनी डालोगे तो पानी उतना ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो जो जितना ज़्यादा चीनी डालोगे मतलब उतना ज़्यादा क्या होगा,
सोल्यूट की अमाउंट उतनी ज़्यादा होगी, विलेय की अमाउंट, विलेय की मात्रा उतनी ज़्यादा अपन बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो विलेय की मात्रा है कितनी, उसको अगर मैथमेटिकली अगर कुछ प्रोड्यूस किया जाता है, कुछ तरीके से उसको बताया जाता है, तो ऐसे जो पद होंगे ना वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि वो बताते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर, इस विलयन के अंदर कि सोल्यूट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है या विलेय की कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी मौजूद है। तो इसको दर्शाने वाले, इसको बताने वाले जो पद है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारे टाइप के हैं और ये अपन पढ़ चुके हैं यार, ये पढ़ चुके हैं कौन से क्लास में, 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, मोल वाले चैप्टर में। तो मोल वाले चैप्टर में आपको याद होगा कंसंट्रेशन टर्म्स, तो वहाँ भी अपन ने बताए थे W/W%, याद है आपको, ठीक है, PPM है ना, मोलारिटी, ठीक है, मोलैलिटी। तो ये मतलब इनके क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं ना, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत तब मेरे हिसाब से है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ W/W% और W/V% बताता हूँ आपको ना, जिनके क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो फोकस उन्हीं पे रहेगा, W/W% पे, W/V% पे, बाकी कंसंट्रेशन वाले बहुत सारे पद हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें कौन कौन से पद हैं, तो याद है आपको ये है वो पद W/W%, W/V%, V/V%, ठीक है, तो आपने सुने होंगे 11th क्लास के अंदर, या PPM, या जैसे बोलते हैं मोलारिटी, ऑलराइट, और जैसे मोलालिटी, ठीक है, और नॉर्मैलिटी है ना, तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन, तो इस तरह के मतलब आप लोगों ने पद सुने हैं ना, ठीक है। तो जैसे हो गया क्या मोल फ्रैक्शन, इसी में नॉर्मैलिटी भी आ जाता है आगे करके। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये कौन से वाले परसेंटेज वाले हैं, पहले तीन वाले कौन से हैं, परसेंटेज के थ्रू बताते हैं ये तीन, फर्स्ट थ्री। तो अगर हम इनकी बात करते हैं W/W%, W/V%, W/V%, तो अगर हम केवल इनको डिस्कस करें तो W/W%, इसको अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, ठीक है, ये कौन सा हो गया W/W%, ओके। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंट आपको बताना है, द्रव्यमान प्रतिशत आपको बताना है। तो कैसे बताओगे अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, तो सॉल्यूट की परसेंटेज निकालनी है ना उसका, तो कैसे बताओगे बताओ। तो यानी कि सीधी सी बात है, ये हो जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे होगा ना मेरे भाई, सही है ना, ठीक है भाई। आपको प्रतिशत निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, तो ऊपर क्या रखोगे हैं, यानी कि जो ना यहां पर इस जगह पर रखोगे आप, जैसे विलेय की मात्रा, सही है ना, ग्राम में आप रख दोगे इसको, ऐसे तो करोगे, और नीचे क्या रख दोगे इसकी जगह है, यानी कि अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो क्या होगा, विलयन की मात्रा, सही है, एक ग्राम में। तो यानी कि आपको पता चल गया कि भाई इतने ग्राम तो सोल्यूट है, इतने ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा।
क्लियर है ना, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, 11वीं क्लास का ही है ना ये तो, अपन रिवीजन चल रहा है ये समझ लो। तो ये W बाई W परसेंटेज की बात हो रही है, तो एक तरह से क्या बताता है अगर इसको देखे तो, ठीक है ना। सो इट टेल यू व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये क्या सूचना देता है, ये सूचना देता है आपको कि 100 ग्राम विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है। ऑलराइट, तो जैसे अपन बोल सकते हैं कि 20% है, ठीक है ना, W बाई W शुगर सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब होगा बताओ, यानी कि 100 में 100 ग्राम अगर हम क्या ले लें सॉल्यूशन ले लें, तो उसमें 20 ग्राम क्या हुआ, तो 20 ग्राम शुगर होगा इसमें, 100 ग्राम में 20 ग्राम शुगर होगा, 20 ग्राम चीनी होगी, तब जाकर के उसका परसेंटेज 20% होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बताएंगे कि यानी कि 20% W बाय W हो गया। तो ये मतलब ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना मेरे भाई, ये तो बहुत इजी है चीजें हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे W बटा W परसेंटेज की, ठीक है। तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अगर हम बोलें कि भाई ये कौन सा वाला है, ठीक है, सेकेंड नंबर का कौन सा, W बाई वी परसेंट, तो W बाई वी परसेंट कैसे कर सकते हैं, तो W बाई वी परसेंट ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ओके, सही है ना। तो अगर हम W बटा V परसेंटेज की बात करें, इसके अगर हम बात करते हैं तो ऊपर क्या है W, नीचे क्या है V, तो यानी कि ये क्या बताता, भार आयतन या द्रव्यमान आयतन, भाई ये द्रव्यमान है और ये आयतन है, तो हम बोल सकते हैं ना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या मास वॉल्यूम परसेंटेज, या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इस तरीके से बोल सकते हैं W बाई V परसेंट। तो सेम ऐसे होगा, ऊपर क्या रखेगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या रखेंगे बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और वो भी किसके अंदर, मिलीलीटर में, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो विलयन का आयतन यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है, मिलीलीटर में इसको रखेंगे, तो इस तरीके से W बाई वी परसेंट है, ठीक है भाई। तो W बाई वी परसेंट का मतलब क्या है कि वो अपन बताते हैं कि भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, सही है। तो ये क्या बताएगा कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट है, उसकी क्वांटिटी को बताता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 15% है ना, अगर W बटा V ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है, है? इसका मतलब है कि 100 मिलीलीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन में 100 मिलीलीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज की क्वांटिटी या ग्लूकोज की क्वांटिटी या मात्रा कितनी होगी बताओ, तो वो होगी बराबर 15 ग्राम, कितने होगी 15 ग्राम होगी। ऐसे V बटा V परसेंटेज है तो इजी है ना, ऊपर वहां पर आयतन, तो विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन हो जाएगा। इस तरीके से हम तीनों परसेंटेज बताते हैं, W बटा W, W बटा V और V बटा V, चूंकि हमें इन दोनों से ही काम है, ठीक है ना, इन्हीं का हमें काम होता है इसका नहीं। अब जैसे एक आता PPM, सही है, तो PPM पढ़ चुके हैं, PPM का क्या मतलब, पार्ट पर मिलियन। तो एक बात बताऊं कि 1 मिलियन कितना होता है,
अरे मेरे भाई, 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो 10 लाख में कितने बिंदी होते हैं, कितने जीरो होते हैं? तो वहां पर जीरो होते हैं 6, ठीक है। तो अगर हम पीपीएम मात्रा अगर बताई जाए तो पीपीएम कैसे निकालेंगे? तो पीपीएम कंसंट्रेशन या पीपीएम सांद्रता किस तरीके से निकाल सकते हैं? कंसंट्रेशन या पीपीएम सांद्रता, ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो चूंकि पर मिलियन है, पीपीएम का मतलब क्या है? अगर इसकी बात करें तो क्या है? पार्ट पर मिलियन, 10 की पावर 6, ठीक है। 10 लाख में से कितना है, कितना भाग है? तो जैसे प्रतिशत में क्या होता है, 100 में कितना है, ठीक है। तो ऐसे 10 लाख में कितना है, तो यहां से किससे गुणा करेंगे? 10 की पावर 6 से। तो ये इसमें अपन पीपीएम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी अपन ने बताया था क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, बताओ। यानी कि विलेय की मात्रा ग्राम के अंदर, और ये क्या है बताओ? ये है विलयन की मात्रा, सही है ना? तो ये विलेय की मात्रा को अपन विलयन की मात्रा से भाग दे करके 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिल जाएगा कि कितनी मात्रा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। चलो, तो इस तरह से पीपीएम कंसंट्रेशन निकाली जाती है। अब इसी क्रम में जैसे मोल फ्रैक्शन आता है, मोलैलिटी आता है, मोलारिटी आता है, ठीक है। तो अपन मोल फ्रैक्शन पे चलते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं। तो पहले मैं आपसे अगर बीच में कोई क्वेश्चन पूछूं, या आपकी नोट्स में दिया हुआ है एक क्वेश्चन, या आपकी बुक में दिया हुआ है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य निहित प्रश्न है। प्रश्न मुझे याद नहीं है कौन सा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर डब्ल्यू बटा डब्ल्यू का प्रश्न है ना, या डब्ल्यू बटा वी का है, इस तरीके से है, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ ना। तो 15% डब्लू बटा डब्लू यूरिया सॉल्यूशन का डब्लू बटा वी परसेंट ज्ञात करो। क्या है? 15% डब्ल्यू बटा डब्ल्यू यूरिया सॉल्यूशन का डब्ल्यू बटा वी परसेंट ज्ञात करो, ठीक है। और गिवन क्या है आपके पास कि डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना है इसका डेंसिटी? 1.5 ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी गिवन है। तो कर सकते हो ना भाई ऐसे प्रश्नों को, सही है। तो प्रश्न आपके सामने है, देखिए लिखा गया है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखने की कोशिश की है कि 15% डब्ल्यू बटा डब्ल्यू यूरिया सॉल्यूशन है, यूरिया का एक विलयन है, जली विलयन है, तो उसका डब्ल्यू बटा वी ज्ञात करना है, डब्ल्यू बटा वी परसेंट ज्ञात करना है, और डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी का मतलब ये क्या है? विलयन का घनत्व। ये आपके सामने है, ये दे रखा है, ठीक है। अब इससे हल करके बताना है आपको, तो कर सकते हैं ना भाई, कैसे करोगे? तो मैंने अभी आपसे बोला कि डब्लू बटा डब्लू परसेंटेज का क्या मतलब है। तो डब्लू बटा डब्लू परसेंटेज का मतलब है, ठीक है, 15% डब्लू बटा डब्लू, इसका क्या मतलब है? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो अगर यूरिया कितना होगा, तो वो होगा 15 ग्राम। कितना होगा? 15 ग्राम होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? डब्ल्यू बटा वी परसेंटेज निकालनी है। तो डब्ल्यू बटा वी कैसे निकलेगा?
डब्ल्यू बटा वी निकालने के लिए आपको आयतन चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आयतन से निकलेगा। तो विलयन का आयतन कैसे निकाल सकते हैं? तो आप ही जानते हो कि 100 ग्राम या इस विलयन का आयतन, तो अपन बोल सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन का है ना वॉल्यूम या इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हुआ, इस सॉल्यूशन का आयतन कितना हुआ, तो बता सकते हो ना कितना आयतन हुआ। कैसे निकालोगे आयतन बताओ? निकाल सकते हो ना, डेंसिटी क्या होता है, एम बटा वी, तो वी बराबर क्या होता है, एम बटा डी, सही है ना भाई। डेंसिटी है, घनत्व है, तो ये तो भार हो गया और ये आयतन हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, तो इससे आयतन निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा बताओ? तो अपन कर सकते हैं यानी कि W बाई डी या M बाई डी, तो कितना है बताओ, 100 अपॉन 1.5 मिलीलीटर में इसका आंसर आएगा, सही है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा मिलीलीटर के अंदर, इसको सॉल्व कर सकते हो लगभग लगभग जो भी आ रहा है, तो इसका 1.5 मिलीलीटर ये आ गया, कहने का मतलब 100 बटा 1.5, इसलिए W बटा V परसेंट कितना आएगा बताओ, ऊपर क्या रखेंगे बताओ, W बटा V के फॉर्मूले में क्या रखते हैं, तो ऊपर W यानी कि सॉल्यूट या फिर अपन बोले विलेय की मात्रा, तो विलेय या सॉल्यूट कितना है, 15 ग्राम, तो ऊपर क्या रखेंगे, 15 ग्राम रखेंगे, सही है ना, ऊपर ग्राम में रखते हैं ना भाई, सॉल्यूट की अमाउंट रखते हैं ग्राम के अंदर, विलेय की मात्रा रखते हैं ग्राम में, तो 15 ग्राम है ना भाई, और नीचे क्या रखते हैं, आयतन मिलीलीटर के अंदर, तो कितना आयतन है इसका, 100 बटा 1.5, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है। तो ये कितना आ रहा है अगर देखा जाए, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 100 इंटू 1.5 इंटू 100, इससे ये चला गया, तो कितना आ रहा है, 22.5%, आ गया 22.5%, ठीक है। सो इस तरीके से अपन इसका W बटा V परसेंट निकाल सकते हैं। तो देखा ना आप लोगों ने, तो W बटा V परसेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं, W बटा W से, W बटा V से W बटा W निकाल सकते हो, W बटा W से W बटा V निकाल सकते हो घनत्व का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो एक सैंपल क्वेश्चन था, मतलब एज इट इज, कि किस तरीके से आप इसमें परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके उसमें था, वो टेक्स्ट बुक में था, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, तो निकाल सकते हैं ना मेरे भाई। और जैसे ppm सांद्रता वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, वहाँ पर ppm सांद्रता का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रदूषण होता है, तो उसको जैसे जल में प्रदूषण होता है ना, तो उसको ppm से मापते हैं, कि जल में पता है ना जल प्रदूषण होता है, ठीक है, जल प्रदूषण, हिंदी पढ़ते हो इतना तो सबको पता है प्रदूषण क्या होता है, अंग्रेजी में हिंदी में, तो जल प्रदूषण, जल में जैसे बहुत सारी चीज़ें घुल जाती है ना, शीशा हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं, तो उनकी मात्रा हम मापते हैं, प्रदूषण की मात्रा वो ppm में मापते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी आगे, तो ppm हो गया जैसे मोल फ्रैक्शन है, है ना, तो जैसे मोल फ्रैक्शन है, तो मोल भिन्न बोलते हैं इसको, मोल प्रभाज बोलते हैं, मोल अंश बोलते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है, ये मतलब एक वर्ड होता है, सिंबल होता है, तो ये कोई, ठीक है ना, कौन सा शब्द है ये? ना तो चाई है ना, ना छाए है, ना हाय है, ठीक है ना। तो असल में क्या है? तो ये है काई। इस सिंबल का नाम क्या है? काई है ना। इसमें एच साइलेंट है ना, एच साइलेंट नहीं होता ना, तो फिर ये चाय छाए जो भी आप लोग बोलते हो ना, वो इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो एच को साइलेंट रखते हुए तो ये काई होता है। तो अगर हम इसकी बात करें मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल अंश, फ्रैक्शन, तो जैसे अंग्रेजी स्टूडेंट जानते हैं, अंग्रेजी वाले, कि फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। जैसे 1/4 है, जैसे अपन बात करें व्हाट इज 1/4, इट इज ए फ्रैक्शन। तो मतलब चार में से एक, ये मतलब होता है ना 1/4 का मतलब, फ्रेज फ्रैक्शन का। तो ऐसे अंश होता है, वही फ्रैक्शन का मतलब अंश ही है, इसी का तो हिंदी है मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल भिन्न, ठीक है। तो यानी कि ये बताता है कि मोलों का अंश, जैसे बोलते हैं ना चार में एक, राइट, चार पूरे पार्ट हैं तो उसमें से एक पार्ट, चार भाग है तो एक भाग, तो ऐसे करके ये किसका भाग बताता है ये? अगर इसके यहाँ पर बात करें तो इसे 1/4 प्रॉपर्टी हो सकती है ना, 1/4 मतलब जो है ना कुछ भी हो सकता है, 1/4 रोटी हो सकती है, 1/4, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए है उसका 1/4 भाग हो सकता है, नहीं तो 1/4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको कहाँ पर लगाना है? मोल में लगाना है। तो अगर मोल में लगा दिया जाएगा उसको, तो क्या हो जाएगा? वो मोल प्रभाज हो जाएगा। तो किसी का मोल प्रभाज अगर 1/4 है, मोल प्रभाज कितना है? 1/4। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर चार मोल होंगे तो उसमें से एक मोल जो है ना वो उसका होगा जिसका ये मोल प्रभाज 1/4 है, जिसका मोल फ्रैक्शन 1/4 है। तो ये मोलों का अंश बताता है, मोल का फ्रैक्शन बताता है कि मोल की कितनी अमाउंट है, टोटल मोल्स में से उस कंपोनेंट की कितनी अमाउंट है, वो ये बताता है। तो अगर इसकी बात करेंगे क्या बताता है ये, व्हाट डज इट मीन, ठीक है ना, तो इट टेल्स यू अबाउट व्हाट, व्हाट इट टेल्स यू मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं उसके बारे में जानकारी देता है, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है ना, इन सॉल्यूशन, या फिर अपन बात कर सकते हैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से अगर सॉल्यूशन के अंदर या पूरे जो मिक्सचर है उसके अंदर जो टोटल मोल अगर काउंट करें तो उसमें से इसके कितने मोल्स हैं टोटल में, तो वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। या अपन बोल सकते हैं कि कुल मोलों में है ना उस अवयव के मोलों की मात्रा, कि उसके कितने मोल है, तो वो ये बताता है मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे बता सकते हैं कि जैसे कि आई अवयव के मोल, ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स, इस तरीके से। अगर वहां पर खूब सारे कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो अगर आपको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मान लेते हैं आई नंबर का, जैसे पहले चार हैं तो चौथे नंबर का निकालना है, तो यानी कि चौथे वाले के कितने मोल्स हैं, ठीक है ना। और अपन बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आई, ठीक है ना, आई अवयव के मोल बटे कुल मोल। तो अपन बोल सकते हैं कि एन आई अपॉन
एन टोटल इस तरीके से बोल सकते हैं, सही है। तो अगर मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है तो उसमें कंपोनेंट है ए एंड बी, कितने कंपोनेंट है, ए और बी कंपोनेंट है, तो एक्स से कितना हुआ, एक्स हो जाएगा भाई ए के मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा, एन ए प्लस एन बी, इस तरीके से अपन निकालेंगे, ये टोटल मोल्स हो गए। तो ये तरीका है मतलब अपन मोल फ्रैक्शन निकालने का, टोटल मोल्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके मोल फ्रैक्शन निकलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आपको पता है किस तरीके से करे जाते हैं, तो आपको ये करना है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ओके, बारहवीं क्लास का तो सिर्फ इतना ही मतलब है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके इलेवंथ क्लास के नॉलेज से सॉल्व होंगे, आपने इलेवंथ क्लास में क्या पढ़ा है, ठीक है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा, मोल फ्रैक्शन का यूज है यहाँ पर, इसलिए मेरे को बताना पड़ा, क्या पता कुछ लोग भूल गए हों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज जा कर के इलेवंथ क्लास की जो कॉपी है ना आपको वो जाके पढ़नी है, ठीक है। उसमें मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, और W बटा W के क्वेश्चन है, W बटा V परसेंट के क्वेश्चन है, मोलारिटी के क्वेश्चन है, मोलालिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे पता करना है, जैसे मोलारिटी है तो मोलारिटी में वहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई है, मैंने बताया है वहाँ पर, ठीक है। तो स्पेशली जैसे अपन बात करें तो मोलारिटी मैं रिवाइज कर देता हूँ, बाकी वैसे मैंने बता रखा है, मोलारिटी कैसे निकालते हैं, तो मोलारिटी निकालने का ये तरीका है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब कि कितना क्वांटिटी वहाँ पर सॉल्यूट की है, वो ये बताने वाले पद है, ये बताने वाले टर्म्स हैं। तो ये क्या बताता है, वॉल्यूम वाइज बताता है कि अगर हम टोटल वॉल्यूम में अगर सॉल्यूट के मोल्स अगर देखें तो उसको अपन बोलते हैं क्या, मोलारिटी बोलते हैं, सही है ना। तो यहाँ पर मोल देख रहे हैं, पहले कुछ और देख रहे थे, पहले W बटा W में अपन क्या देख रहे थे, 100 ग्राम में कितने ग्राम है सोल्यूट, ये देख रहे थे। W बटा V में क्या देख रहे थे कि 100 मिलीलीटर में कितने ग्राम सोल्यूट है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 लीटर में कितने मोल्स है, तो मोलारिटी हो जाएगा, सही है ना। तो ये बाकी 11th क्लास में लिखा हुआ कि क्या इसकी यूनिट्स होंगी, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो सकती है, या बोल सकते हैं मोलर होता है, या अपन बोल सकते हैं क्या, कैपिटल एम हो सकती है। तो ये इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, ये तो इसमें जो टर्म्स है ना जहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, जैसे ये वाला पद है, ये वाला टर्म है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, ये वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, तो इनका टेम्परेचर से कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस W बटा W है तो इसमें टेम्परेचर को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जैसे W बटा V है, इसमें टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब, टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर कम करने पर कंप्रेशन होता है, तो वहाँ पर वॉल्यूम में चेंजेज आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखो यहाँ पर इस तरीके से, तो ये इंडिपेंडेंट पद है, तो ये मोलारिटी है, है ना। तो आपके बारहवीं क्लास में जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा ना, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला आपके बारहवीं क्लास में इस्तेमाल होगा, अगर आपको क्या है, ठीक है, ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, सोल्यूट कंसेंट्रेशन अगर दिया हुआ है तो इसको एम से डिवाइड करते हैं, एम बी डब्लू बटा डब्लू परसेंट इंटू 10 अपॉन
एम बी डब्ल्यू बटा वी परसेंट अपॉन एम बी। ठीक है, एक और टर्म है इसमें डेंसिटी वाला इंटू डी। तो ये है फॉर्मूला जो यहाँ पर इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर इस फॉर्मूले को आप मतलब जो है ना रट लें, कुछ भी याद कर लें, समझ लें, जो भी आपकी मर्जी है, समझो रटो जो भी है। ठीक है, तो एक लीटर में कितने ग्राम है वो ये बताता है। तो और ये मॉलिकुलर वेट है, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है ना। ये क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ हिंदी में, ग्राम प्रति लीटर विलेय है, सही है ना। तो ग्राम प्रति लीटर है तो मोल प्रति लीटर में बदलना है। सो ग्राम प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कैसे बदल सकते हो, प्रति लीटर तो दोनों है, सही है ना भाई। मैं ये कह रहा था कि ग्राम पर लीटर से अगर आपको जाना है मोल पर लीटर कैसे जा सकते हो, ग्राम को मोलर मास से डिवाइड कर दो, दिया गया भार गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो क्या मिलता है आपको, मोल्स, तो अपने आप ही मोल पर लीटर में आ जाएगा, यानी कि मोलारिटी मिल जाएगी। और इसी तरह ये भी फॉर्मूले हैं तो इनको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चैप्टर में इस्तेमाल होंगे बाद में जाके, है ना, क्वेश्चंस में।